आप टेग्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम लगाने वाले हैं न्यू वैगनर, जो अभी वैगनर आई है 2019 मॉडल जो है, उसके अंदर जीपीएस है आपका। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इंजन ऑन वाला जीपीएस कैसे लगा सकते हैं। और ये आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नीचे का ये पोर्शन खोलेंगे। उस पोर्शन को खोलने के लिए हमें ये है, सिर्फ एक नट है, ये इस तरीके से लगा होता है, ये इस तरीके से लगा होता है। इसके नीचे ये एक नट होता है, सिर्फ एक नट, सिर्फ ये पेचकस डाल के हम इसको खोल देंगे। और ये हल्का सा हमें इसको पुश करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचना पड़ेगा इसको, फिर ऊपर से खींच देंगे बाहर आ जाएगा। हल्की सी आवाज करेगा लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये नक्के वगैरह होते हैं, खुल जाते हैं, थोड़ी सी जान लगती है। आप ये मत सोचना कि टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, निकल आएगा। उसके बाद हमने इसका आपका चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, गाड़ी को पहले चालू करें। अब हमारी गाड़ी चालू हो चुकी है। अब हमारा जो कनेक्शन है उस वायर में होंगे, जिसको निकालने पर हमारा जो है गाड़ी बंद हो जाए, उसमें ही आपका इंजन ऑन ऑफ का कनेक्शन होगा। उसके लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम देख लेते हैं किस कहाँ पे मोटे वायर्स लगे हैं किस में। और ये मोस्टली होता है, ये जो आपका चाबी है इसके पीछे ये आता है आपका, ये कपलर है, ये चाबी के पास जाता है। तो हम अब सबसे मोटे वायर को सबसे पहले खींचेंगे, मतलब ये जो पूरा कपलर है इसको निकालेंगे हम। अगर गाड़ी बंद हो जाती है मतलब हमारे इंजन ऑन ऑफ के कनेक्शन इसी में ही होंगे। ये देख लीजिए, अब इसको हल्का सा पुश करेंगे अंदर, इसको खींच लेंगे, अब गाड़ी बंद हो गई। मतलब इसी के अंदर हमारे सारे कनेक्शन है। यही बेसिक फंडा है सबको चेक करने का। गाड़ी चालू करो, ठीक है, कपलर को निकालोगे, इसको निकालने से बंद नहीं होती तो हम इसको वापस लगा देते, मतलब किसी और में कनेक्शन है, इसके अंदर कनेक्शन नहीं है आपके। अब हमने ये निकाला, इसके अंदर आपका सारे कनेक्शन है क्योंकि गाड़ी बंद हो चुकी है। अब हम एक मीटर ले लेंगे, ये न्यू वैगनआर का बता रहा हूं मैं आपको, और मीटर से चेक करेंगे किस में आपका डायरेक्ट आ रहा है। सबसे पहले हम मीटर को 20 पे कर लेंगे क्योंकि 12 वोल्ट तक यहाँ पे चेक होती है। अगर 24 वोल्ट होती है तो 20 से ऊपर जाती है तो 200 पे करना पड़ता है। और 24 वोल्ट मोस्टली ट्रक में होती है, बहुत रेयर जिसमें डबल बैटरी होती है नहीं होता। गाड़ी में किसी में 20 वोल्ट मतलब 12 से ज्यादा नहीं होती, 12 13 14 से ज्यादा नहीं होती। अब हम इसका चेक करेंगे। सबसे पहले हमने लगाया है आपका इसके अंदर, ये आपका बॉडी अर्थ है। और यहाँ पर भी देख लीजिए, रेड वाला आपका COM पे आएगा और ये MA करके है, इस पे आएगा ब्लैक वाला, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, इसमें लगाया हमने और ये हमारा यहाँ पर बॉडी अर्थ आता है, देख लीजिए इसमें आ रहा है 13 वोल्टेज। इसको उल्टा लगाया हुआ है इन्होंने, ये यहाँ पे लगेगा इस तरीके से लगता है। सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे, देख लीजिए 13 वोल्टेज आ रही है, मतलब इसमें डायरेक्ट करंट आ रहा है। अब इसमें लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं आ रहा, इसमें भी कुछ नहीं आ रहा, इसमें भी कुछ नहीं आ रहा, इसमें भी कुछ, इसमें 13 वोल्टेज आ रही है, इसमें कुछ नहीं आ रहा, मतलब कि हमारे दो हैं, ये एक और दो, इनमें डायरेक्ट वोल्टेज आ रही है। ये है आपका वाइट और ये रेड, मीन्स वाइट और रेड में हमारा इसमें डायरेक्ट करंट है, व्हाइट और रेड में। अब हमें पता चल गया व्हाइट और रेड में डायरेक्ट करंट है। अब हम इसका चेक करेंगे कि कौन सा वायर हमारा कट होगा। अब देख लीजिए, हम चेक करेंगे किसमें हमारा डायरेक्ट करंट आ रहा है। अभी हमने देख लिया था व्हाइट और रेड में डायरेक्ट आ रहा है, मतलब एक सिरा इसका डायरेक्ट में घुसाना है, चाहे व्हाइट में घुसा लो चाहे रेड में घुसा लो, किसी भी घुसा सकते हैं। व्हाइट, ये रेड है आपका, ये व्हाइट है, मैं व्हाइट में डाल लेता हूँ इसको। और मैंने बहुत गाड़ियों में लगाया है जीपीएस तो मुझे अच्छी तरह पता है कि इसमें ग्रीन वायर कटता है आपका, इसी से डैशबोर्ड का लाइट भी जलता है। ग्रीन वायर है हमारा ये। दोस्तों इसमें जो है मारुति की और गाड़ियों की तरह ग्रीन वायर नहीं है, इसमें एक्चुअली येलो वायर, ये आपका ब्लू वायर कटेगा। इसको कंफर्म कर लेने के लिए क्या करा है मैंने, एक ये इस तरीके से वायर बनाई है आपकी, क्योंकि इसमें सेल्फ तभी लगता है जब आपका करंट ब्लू वायर में जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आपका सेल्फ का जो वायर है इसके अंदर वो है आपका वाइट रेड है, ये वाला रेड है, ये आपका सेल्फ का वायर है। और ये वाला जो रेड है ये आपका है, कोने वाला जो रेड है ये डायरेक्ट है, और ये जो है सेल्फ का रेड है। अब ये मैंने कैसे पता करा, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से डायरेक्ट में इसको डाल दिया हमने,
और ये सेल्फ लेती है गाड़ी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें पहले हम सेल्फ तभी लेगी जब हम ये देखिए, जब अभी आपका डैशबोर्ड में लाइट आ गई है, डैशबोर्ड वाला ही तार इसमें भी लटेगा। अब देखिए, अब ये सेल्फ लेगा, अब हमने ये निकाल लिया, अभी देखो चालू हो चुकी है, ये एसी चालू हो चुका है, ये आपका जो है सेल्फ की वायर है ये वाली। तो अब आपका ब्लू कटेगा, क्योंकि देख लीजिए ब्लू को निकालते ही हमारा डैशबोर्ड में लाइट चली जाएगी और गाड़ी बंद हो जाएगी। ये देखिए गाड़ी चालू है इसका, ये चली गई। अब हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं, ये आपका डैशबोर्ड का लाइट है, यही कटेगा वायर, और इसमें है ब्लू कलर का, न्यू वैगन आर में ब्लू कलर का वायर है डैशबोर्ड का, ये हम कंफर्म कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, वायर ले लेंगे, ये आपका बॉडी अर्थ है, इस बॉडी अर्थ को हम इसके अंदर कस देंगे, ये बॉडी अर्थ हो गया। अब हमारा डायरेक्ट जो है वाइट है, मैं भी इसमें लगा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ लगा के कनेक्शन बता रहा हूँ। आपका रिले का ये रिले है, रिले का येलो येलो में चला जाएगा आपका एज यूजुअल नॉर्मल, और रिले का वाइट और जीपीएस का, मतलब रिले का डायरेक्ट और जीपीएस का डायरेक्ट एक साथ ये आपका वाइट वाले पे लग जाएंगे, हल्का सा स्प्लाइस करके ये इस तरीके से लग जाएगा, स्प्लाइस करके लग जाएगा सर, जैसे नॉर्मली लगता है आपका। ये ऑरेंज है, ऑरेंज आपका रिले के साथ कनेक्ट हो जाएगा किसी भी एक साइड, और आपका ब्लू वायर कट जाएगा। ब्लू वायर कटने के बाद इसके दो हिस्से हो जाएंगे, ठीक है, एक तरफ हम इसको लगा देंगे, एक तरफ इसको लगा देंगे। बाकी कनेक्शन कैसे होंगे इसके डिटेल के लिए हमारी और भी वीडियोस है, स्विफ्ट की भी है, वैगन आर की भी है, उनको चेक कर सकते हैं। येल्लो येल्लो में लग के ये टेप हो जाएगा, इसका कुछ काम नहीं है। ये वायर कटने के बाद एक तरफ ये और एक तरफ ये लग जाएगा, और जीपीएस का रेड और आपका रिले का वाइट ये वाइट में चला जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे कनेक्शन ओके सारे। उसके बाद हमारी गाड़ी ऑन ऑफ हो सकती है। बॉडी अर्थ है, इसको हम कहीं बॉडी अर्थ में दे देंगे। बाकी और जानकारी के लिए हमारे और भी वीडियोज हैं, उनको डिटेल में चेक कर सकते हैं आप। अब हम जीपीएस लगाने के बाद इसको पैक कर देंगे, जीपीएस लगाने के बाद इसको पैक कर देंगे, नीचे से इसको लगा लेंगे पहले। जीपीएस को कहीं टाई से टाई कर देंगे, टाई देना इस तरीके से टाई आएगी, जीपीएस को लगा के उसको टाई कर देना है हमें। और सारे जीपीएस में आपका ये जीपीएस है, सारे जीपीएस में जो है आपका यही वायर होते हैं, रेड येलो और ब्लैक, तो ये सेम कलर होंगे, सिर्फ इसका जो कलर है आपका कभी ग्रीन हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, बस ये एसीसी का वायर बोलते हैं इसको। और इस तरीके से आप लगा सकते हैं जीपीएस को, इस तरीके से टाई कर सकते हैं, टाई आएगी मार्केट से 1 या 2 रुपए की आएगी, आपके नियर बाय मिल जाएगी इजीली, आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जो किसी तरीके की जीपीएस से रिलेटेड इंक्वायरी है या जीपीएस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे हमारे यहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हैं, और हमारे नीचे जो दिए हुए नंबर पर फोन करके आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन चाहते हैं तो आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।